गुड मॉर्निंग। एक नए वीडियो में फिर से आप भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आपका भाई आया था दवा लेने के लिए बनारस, तो सोचा कि आप लोग को एक लेटेस्ट अपडेट दे दें। हालांकि ये वीडियो सारे यूट्यूब पे आप लोग को पड़ा होगा, मगर भाई आपका आज एक लेटेस्ट अपडेट के साथ आ चुका है। दशाश्वमेध घाट जो रोड मार्ग चौड़ीकरण हो रहा है, उसके नज़ारे दिखाए गए इस वीडियो में कि अभी तक कितना कार्य हुआ है, कितना कार्य नहीं हुआ है, उसके नज़ारे आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कट करके दिखाएगा। तो जैसा कि बता दें, भाई का कंडीशन तो नहीं है कि कहीं जाके प्लेस पे वीडियो बना सके, क्योंकि तबीयत अभी उतना सही नहीं हुआ है, मगर भाई सिर्फ आया था दवा लेने के लिए, तो सोचा आप लोग को दिखा दें कि यहाँ पे रोड मार्ग जो चौड़ीकरण हो रहा है उसके नज़ारे आपको लेटेस्ट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो भाई के चैनल पर नए, तो जैसे कि बता दें लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों भी शेयर करने भूलिएगा। ये चलते बैक में दिखाते दशाश्वमेध घाट रोड मार्ग चौड़ीकरण का नज़ारा, ताज़ा लेटेस्ट अपडेट। तो सामने का नज़ारा जो देखते हैं रोड मार्ग सर दोस्तों, वो गोदौलिया से सीधे दशाश्वमेध घाट के दिख रहा है, और इसके बगल में देखते हैं ये सब्जी मंडी वाला जो राजेंद्र प्रसाद घाट जाएगा ये रास्ता है, और ये देखते हैं सुलभ शौचालय जो अतिक्रमण की वजह से दिख नहीं रहा था, अभी पूरी तरह से भक्तों को दिखता है। और सामने देखते हैं ये राजेंद्र प्रसाद घाट जाने के लिए बगल के इसके देखते हैं नज़ारे, ये रोड मार्ग है। और इधर दिखा दें, इधर जो देख सकते हैं दोस्तों, इधर रूट मार्ग था, इधर बगल में दुकानें थी फूल माला की और कंठी का, जो इस टाइम टूट के इस टाइम इस प्रकार हो चुका है। तो देखते हैं नज़ारे कुछ इस प्रकार है, जो अभी तेज़ी से मलबा जो टूटा हुआ है उसको हटाने का जो कार्य है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो मलबा टूटा था उस मलबे को हटाने का पूरा कार्य देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से जो है चल रहा है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं ये पूरी तरह मलबा हटाने का पूरा कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आइए, आगे तो पूरा चौड़ीकरण हुआ है, तो देख सकते हैं इधर पूरा काफ़ी तेज़ी से चल रहा है मलबा हटाने का कार्य। और उसके बाद दोस्तों जैसा कि दिखा दें आगे ऊपर देख सकते हैं, इधर जो लाइट है वो भी लग चुकी है, लाइट लगाने का भी कार्य इधर बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो जैसे ही ये मलबा हट जाएगा पूरा इधर चौड़ा, जैसे देखते हैं इधर पत्थर बिछा हुआ है रोड पे, तो वैसा पत्थर देख रहे हैं सामने, इधर देखते हैं ऐसा पत्थर बिछा हुआ है रोड पे, तो वैसा पत्थर यहाँ तक सामने तक बढ़ेगा लगेगा। और इधर देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ आप लोग को, इधर दशाश्वमेध भवन है, दशाश्वमेध भवन जो रूट मार्ग इधर दुकानें जो टूटी थी ये दशाश्वमेध भवन में जाएंगी। तो दशाश्वमेध भवन देख सकते हैं इधर है, मैं उधर भी चलूँगा, नीचे भी दिखाऊँगा दशाश्वमेध भवन का नज़ारा। तो सबसे पहले मैं इधर आगे तक नज़ारा आपको दिखा दूँ, इधर से ना जाए देख सकते हैं इस कदर है, जो पूरी तरह मलबा जो बचा हुआ है थोड़ा तार पूरी तरह हटाने का कार्य जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो अभी जो देखते हैं इस साइड दुकानें कुछ अभी लग रही हैं इधर, और दोस्तों सामने देख सकते हैं ये दशाश्वमेध घाट है, तो मैं घाट भी घुमाऊँगा, पहले आगे इधर का अपडेट दे दूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग को घाट भी घुमाऊँगा। तो जैसा कि मित्रों देख पा रहे हैं, ये नीचे दशाश्वमेध कॉम्प्लेक्स है, जो मंडी नीचे बगल में टूटी है वो मंडी का पूरा दुकान नीचे शिफ्ट है, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोग को, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए चलते हैं नीचे मुदर्रा में, नीचे चलते हैं और नीचे चलकर दिखाते हैं मंडी कौन सी दुकान अभी लग गई है अंदर इसके कॉम्प्लेक्स के। तो जितनी भी मंडी थी वहाँ पर सब्जी मंडी, सारी मंडियाँ यहाँ पर आपको दिखेंगी नीचे, अगर आप लोग को सब्जी उब्जी लेना हो तो आप नीचे यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसके बाद देख सकते हैं सारी मंडी लगी हुई है यहाँ पे दुकानें। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, आप देखें इधर देख सकते हैं ये दशाश्वमेध घाट जाने वाला रास्ता है, ये दशाश्वमेध घाट और ये राजेंद्र प्रसाद घाट जाने के लिए रास्ता था। राजेंद्र प्रसाद घाट जाने का रास्ता में बीच में यहाँ पे मंडी लगी, जो मंडी को पूरी तरह से तोड़कर हटाकर अब कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया है। जो आप देखें देख सकते हैं इधर पूरा मंडी था, मेरे वीडियो पिछले में देखे होंगे आप लोग, तो उस पूरे मंडी को तोड़कर उस कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने का देख सकते हैं दोस्तों। ये पूरे दशाश्वमेध घाट रोड मार्ग को पूरा बेहतरीन तरीके से चौड़ीकरण करके तोड़ के ये पूरा चौड़ीकरण करने का जो कार्य है वो तेज़ी से भी चल रहा है, जो नज़ारे आप देख पा रहे हैं देख सकते हैं ये पूरा टूट चुका है। और मैं इधर से दिखा दूँ नज़ारे, ये पूरा सामने देख सकते हैं, इधर दोनों साइड पूरी मंडी थी,
जो मंडी को पूरे तरीके से तोड़ के अभी से चौड़ीकरण पूरा करके ये राजेंद्र प्रसाद घाट चला जाएगा। रास्ता देखते हैं जो कौन घाट, राजेंद्र घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट। इस कदर नज़ारे हैं जो आप देख पा रहे हैं कि पूरे तरीके से इधर से पूरा मंडी को हटाकर उस कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जा रहा है और इस पूरे रोड मार्ग को चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो आज का जो लेटेस्ट अपडेट था वो आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। इधर देख सकते हैं ये जल निगम टंकी का कभी देख सकते हैं पूरा क्या है, इधर के तोड़ कर भी चौड़ीकरण किया जा रहा है और देखते हैं इधर वो किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं वीडियो के माध्यम से और आगे, लेकिन चलते हैं आप लोग को और भी दिखाते हैं नज़ारे। तो देख सकते हैं ये सब पूरी तरीके से चौड़ीकरण हो जाएगा तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा और काफ़ी स्पेस रहेगा ताकि अगर दीवार वार कोई पड़ता था तो इधर काफ़ी जाम लग जाता था, काफ़ी दिक्कत तो परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मगर अब जब ये पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से पूरा चौड़ीकरण हो जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा देखने में और काफ़ी स्पेस और जगह हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देख पा रहे हैं इधर पूरे घाटों पे दशाश्वमेध घाट पे जम के सफैया चल रहा है क्योंकि भी शाम को गंगा आरती होगा तो गंगा आरती के लिए देखते हैं इधर काफ़ी बेहतरीन तरीके से सफैया का कार्य जो है वो चल रहा है। तो देख सकते हैं इस कदर सफैया का कार्य जो है तेजी से चल रहा है। गंगा आरती के लिए देखते हैं सफैया का कार्य जो है बहुत तेजी से चल रहा है। पूरे चौतरों को बेहतरीन तरीके से जोड़ा जाएगा। यहाँ शाम को गंगा आरती होगी और ये चलते हैं आगे। नमस्कार मित्रों, कैसा लगा ये अपडेट आप लोग का? दशाश्वमेध घाट रोड मार्ग चौड़ीकरण और दशाश्वमेध वर्तमान घाट का क्या स्थिति है वो नज़ारे आप देखें, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ऐसे भाई करता है वीडियो क्लोज और भाई को घर जाना है, लेट हो रहा है और थोड़ा हरासमेंट फीलिंग हो रही है क्योंकि अभी दावा चल रहा है भाई का। आप लोग का सपोर्ट रहा, प्यार रहा तो हमारे इस चैनल पर आपको हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक हमेशा भाई पहुँचाता रहेगा। तो कैसा लगा आपको नज़ारा आप बताइएगा और भाई के चैनल पर नए तो लाइक सब्सक्राइब अपना प्यार देना नहीं भूलिए क्योंकि भाई आप लोग के लिए तबीयत खराब है फिर भी हमारे चैनल पर आप लोग को हमेशा रेगुलर वीडियो देखने को मिलता रहेगा। चलिए नमस्कार मित्रों।